हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ SMII। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लेटेस्ट न्यूज़ और नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज भी हम बात करने जा रहे हैं एक हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। इसके दोस्तों हम टारगेट्स भी जानेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का निकल कर आ रहा है। सारे डिटेल्स दोस्तों हम एक एक करके जानेंगे, पर सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक और इसके क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने जो स्टॉक है उसका नाम आ चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में। और दोस्तों, ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक नई जो है टारगेट दिए हैं और उन्होंने ये रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि एट द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹2687। दोस्तों, आप देख सकते हो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सेक्टर में का एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और दोस्तों इसमें बहुत ही पॉजिटिव टारगेट निकल कर आ रहे हैं। इसका टाइम पीरियड भी जानेंगे और इस कंपनी के डिटेल्स भी स्टडी करेंगे। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके जो नए टारगेट्स हैं और इसके जो टाइम पीरियड है वो भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जो ICICI सिक्योरिटीज़ है जो हमारे देश की बहुत ही बड़ी सिक्योरिटीज़ फर्म है एंड इट हैज़ गिवन ए एड कॉल ऑन द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹2687 एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस स्टॉक इज़ ₹2564 एंड द टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज ए ईयर वैन द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया हुआ है फॉर अचीविंग द टारगेट दैट इज़ ए 1 ईयर। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के थोड़े डिटेल जान लेते हैं कि ये कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है और इसके फाइनेंशियल जो है वो परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है। दोस्तों, जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड है दिस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2006 एंड इट इज़ ए मिड कैप कंपनी। इट इज़ हैविंग ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹13,524 करोड़ एंड दोस्तों दिस इज़ ऑपरेटिंग इन द हॉस्पिटल्स एंड अलाइड सर्विसेज सेक्टर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है आजकल कोविड पैंडेमिक का इफेक्ट चल रहा है और हेल्थ केयर सर्विसेज की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और दोस्तों इस सेक्टर में अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो शेयर हैं वो भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज में ही काम करती है एंड दिस इज़ द मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड इज़ अ मिड कैप कंपनी। द की प्रोडक्ट रेवन्यू सेगमेंट्स इंक्लूड द सर्विस इनकम एंड द अदर ऑपरेटिंग रेवन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है सर्विस से अपनी इनकम जो है वो गेन करती है और इसका ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है वो भी सर्विस सेक्टर में से आता है, हेल्थ केयर सेक्टर में से ही आता है। आइए अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं कि इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं Q4 के वो किस तरह के रहे हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द 31 मार्च 2020 द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड ए कंसॉलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹293 करोड़ एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 5.49% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹278 करोड़। तो दोस्तों, आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी ने 5.49% की जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो दर्ज की है और इसकी जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है वो भी बढ़ गई है। यदि हम दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज बाई नियरली 40% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹210 करोड़। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है और इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है वो दर्ज की हुई है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹61 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा पैट जो है वो बनाया हुआ है इन द लेटेस्ट क्वार्टर। इन ओवरऑल दोस्तों, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं और इस कंपनी की जो डिमांड है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आइए दोस्तों, अब इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल देख लेते हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म है वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट इसमें देख रही है। द ब्रोकरेज मार्जिनली लोअर्स द फाइनेंशियल ईयर 2022 एस्टिमेट्स
टू फैक्टर डिले इन द हाई टेक इक्वाइजेशंस बट रेज द फाइनेंशियल ईयर 23 रेवेन्यू एबिटा एस्टिमेट्स बाई 1.8 उबली 6.5% टू फैक्टर इन द हायर रिलाइजेशन एंड बेटर मार्जिनस। दोस्तों जो ब्रोकरेज है उसने दो तरह के एस्टिमेट दिए हुए हैं, पहला है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। तो दोस्तों इसने जो इस जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो एस्टिमेट है उसमें थोड़ा सा मार्जिनली जो है वो डिक्रीज देखा गया है, बिकॉज देर इज़ ए डिले इन द हाई टेक इक्वाइजेशन। बट दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 इस कंपनी का जो रेवेन्यू है और एबिटा है दैट विल इंक्रीज बाई 1.8% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं एंड देर इज़ ए हाइयर रिलाइजेशन इन द सर्विसेज। तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी का एबिटा और रेवेन्यू जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो शो कर सकता है। इसलिए दोस्तों जो ब्रोकरेज है इट हैज़ मेंटेन्ड ए एड ऑन द स्टॉक विद ए रिवाइज DCF बेस्ड टारगेट प्राइस ऑफ ₹2687 पर शेयर विच वॉज 2308 पर शेयर अर्लियर। तो दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रही हैं और EPS की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी जो है वो दिख रही है, बट देर मे बी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ड्यू टू द हायर देन एक्सपेक्टेड कॉम्पिटिशन एंड प्राइसिंग प्रेशर। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसमें जो है वो वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, देर आर सम चैलेंजेस, बट द कंपनी हैज़ ए फोकस्ड अप्रोच और इस कंपनी के जो मार्जिन है वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, जो सर्विस सेक्टर है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन शो कर रहा है ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक इफेक्ट, द हेल्थ केयर सेक्टर इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। इसलिए ये जो स्टॉक है वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, वो भी अच्छी ग्रोथ जो है वो शो करेगा। अब दोस्तों हम इसकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो प्रमोटर्स आर हैविंग 50.4% होल्डिंग इन दिस कंपनी एज ऑन मार्च 31, 2021। द FIIs आर होल्डिंग 27.6% ऑफ होल्डिंग, द DIIs आर होल्डिंग 15.3% ऑफ होल्डिंग एंड द पब्लिक इज होल्डिंग 6.7% ऑफ स्टेक इन दिस कंपनी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो इसकी होल्डिंग है बहुत ही मिक्स निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों जो FIIs है उनकी भी होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, DIIs भी इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक का भी अच्छा पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मिक्स पैटर्न निकल कर आ रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक में कंटिन्यूसली अपना जो एंथुजम है वो शो कर रहे हैं। एंड में दोस्तों हम आपको यही कहना चाहते हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ गई है, अब भी इसकी डिमांड जो है बढ़ गई है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे देश में कोविड का सेकंड वेव का इफेक्ट आया था, पहले फर्स्ट वेव आई थी फिर सेकंड वेव आई थी और अब जो है पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द हेल्थ केयर। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो कंटिन्यूसली आने वाले टाइम में 2, 3, 5 साल तक ये ग्रो ही करेंगी। इसलिए दोस्तों इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं इन द कमिंग टाइम। और 1 ईयर का टारगेट दोस्तों इसका जो है वो आपको दे रखा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही पॉजिटिव हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड में दोस्तों हम आपका थैंक्स करते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, आप हमारे जो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप हमारे से कमेंट करके जो है वो आप पूछ सकते हो या आप डायरेक्टली भी हमें जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट विद यू विद ए न्यू वीडियो।